दिन पहले हमने भाई साहब को एक स्टेप सिखाए थे, कौन से वाले स्टेप सिखाए थे बताओ, वो बता रहा हूँ। तो भाई साहब बैंक मैनेजर ने बुलाया है क्योंकि से मैंने एक यूट्यूब के चक्कर में एक खाता खुलवाया था, इनकम तो बनी नहीं है, आपने तो सपोर्ट किया नहीं था, उससे आज बंद कराने आया हूँ। चलिए गाइस हमारा अकाउंट जो था क्लोज हो गया है, यानी कि बंद हो गया है। ब्लॉग को टाइटल बना है भाई, फोटो को मस्त एक नंबर लगा हुआ भाई, तुम इतने CID का देखा था। करेंट अकाउंट बंद हो गया, बहुत दुख है मुझे, मैं स्टोरी में भी अपना दुख नहीं लगा सकता, आंसू अंदर है यार, बाहर नहीं है। साथ ही नीचे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, हम इनका एंजॉय थोड़ा। यह हमारा पुराना देसी लोगरा, जी हाँ सियाने कहते थे लोगरा की याद। तो वैन की रक्षा करेंगे हम रोज, वैन की रक्षा करेंगे हम रोज, और आज है भाई दूज, तो भाई दूज ब्लॉग में चली चलते हैं। भाई दूज अपनी जगह, अभी हम जा रहे हैं प्रसाद देने के लिए, ये रहा चाचा, हैप्पी दिवाली। प्रसाद लेके हम चाची के यहाँ आ गए हैं। दिन पहले हमने भाई साहब को एक स्टेप सिखाए थे, कौन से वाले स्टेप सिखाए थे बताओ, वो बता रहा हूँ, कौन से वाले डांस स्टेप सिखाओ, तो हाथ करके बताओ कैसे सिखाए थे हमने, जल्दी करके बता दो जी। और ऐसे 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 कैसे डांस सिखाए थे जी, अपनी चीज नहीं भूल सके कोई, नहीं भूल सके वो। अब भाई हमें निकल रहे थे ना, तो ऐसे काउंटर पे खड़े होकर हाथ दिखा रहे रहे, स्टेप किसने सिखाए हमने, हाँ हमने बता दो भैया हमारे व्यूअर्स को, किसने सिखाया आपको ये डांस स्टेप, ये हमारी चीज नहीं भूल सकते कोई, और जो भूल जाए तो बात ही खत्म है। चलिए हम चलते हैं, प्रसाद दे दिया है, थैला खाली करवा लिया है। कैसी आम काय चाय बना रहे हो, इनकी चाय की दुकान भी है स्टेट बैंक के पास, खैर बाकी टाइम पापा बैठते हैं लेकिन 4 घंटे ये भी देते हैं। आप लोग भी आए तो स्टेट बैंक के पास चाय जरूर पिए, इनकी अच्छी बना लेते हो ना, हाँ तो ठीक है। तो गाइस आज बैंक मैनेजर ने बुलाया है क्योंकि से मैंने एक यूट्यूब के चक्कर में एक खाता खुलवाया था, इनकम तो बनी नहीं है, आपने तो सपोर्ट किया नहीं था, उससे आज बंद कराने आया हूँ। तो ये हमारा खाता बंद कर रहे हैं, और जो भी बची राशि है जो मिल जाएगी वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, क्या राशि मुझे मिल। चलिए गाइस हमारा अकाउंट जो था क्लोज हो गया है, यानी कि बंद हो गया है, वो बंद हुआ ही था, और हमारे पास भाई दूज के लिए फ़ोन आ गया, यानी कि बहनों को पता चल जाता है कि भाई के पास पैसा आ गया, खैर क्या इनको कैसे बताया कि पैसा काय का आया है, खाता बंद करवाने का आया है, की रक्षा करेंगे हम रोज, और हम चले भाई दूज बनाने, जी हाँ खाता तो बंद हो गया है। तो आसी आ गई हैं आसी आ गई हैं भाई दूज का टीका लगाने, आसी दो प्रकार की मिठाई लाई हैं, जय हो अरे जो आता हूँ खुदा ही खा ले, खावे की चीज में संकोच न करना चाहिए, जल्दी खा लेना चाहिए। जो खाओ मैं तुमने बना ली हाथ से, हमारे आशु के संग क्लिप फोटो खिंच गई, हाँ खिंच गई, और आज आशी ने पैसा पे नए कपड़ा कौन सी जोड़ी को नए निकाल ले, पैसा है आशी पर। ब्लॉग को टाइटल बना है भाई फोटो को मस्त एक नंबर लगा मैं आशी, तो हमने आशी की काफी शानदार फोटो खींची है, उसका टाइटल बनाएंगे, इसलिए आशी खुश हो रही, वो फोटो हम आपको जरूर स्क्रीनशॉट करके दिखाएंगे। तो भाई कंप्लीट हो गई है, अब हम जा रहे हैं और बहनों के पास मार हो तो देखो सबके देखे हैं, तुम्हें ऐसी मार कूटा था फिर झूठ झूठ। तो यासी बेचारी इनकी फोटो सबसे अच्छी अच्छी आई, जब से रोए पड़ी है और डिलीट करवाने के लिए पीछे पड़ी, कहाँ थी ये हमारी दाई, अच्छी आई का है, हाँ देख आसी अच्छी फोटो तो आई है दादी प्रवचन के साथ धन भर CID देखते हैं, ये CID की काफी बड़ी फैन है भाई, तुम इतने CID का देखा था, इतने तो CID का देखा था, मजा आ रहा देखा, तो दादी ने बताया ना CID देखने में मजा आ रहा, हमारी दादी हैंडटेक है, फिर कभी डिटेल में बताएंगे उनके बारे में।
भाई दूज में आप आ गए हैं अमूल्या से टीका लगवाने। आ गई हो जसनी? अमूल्या कहाँ गई, कहाँ गई? बुला के ले गया उसको। तो अमूल्या आ गई है, टीका लगा दिया अमूल्या ने। ये अमूल्या बड़ी मुश्किल में आई है, कहाँ थी इतनी देर से? पेंटिंग बना रही थी। लेके आओ, कैसी बनाई हम भी देखें। हाँ क्या मैं आप बैठो। ये बन रही अमूल्या की पेंटिंग। अमूल्या ने पेंटिंग में क्या बनाया? अरे अमूल्या तो उल्लू बना रही थी। चलो बाय बाय टाटा। कहाँ? करेंट अकाउंट बंद हो गया, बहुत दुख है मुझे। मैं स्टोरी में भी अपना दुख नहीं लगा सकता, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स, आप मेरी जनता हैं, आप मेरे प्यारे हैं, सब चिंतक हैं भैया जो मेरे ब्लॉग देखते हैं इंस्टाग्राम पे, नहीं सॉरी फेसबुक पे, यूट्यूब पे। भैया शेयर कमेंट लाइक कर दिया करें, समझो यार बहुत पैसा खर्चा हो गया इस ब्लॉगिंग के चक्कर में, लेकिन फंस गया हूँ। सॉरी फंस नहीं है, शौक़ है तो करता हूँ, लेकिन आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करें अपने सब चिंतकों को। बहुत दुख है, मैं तो स्टोरी भी नहीं लगा सकता, आपको बता दे रहा हूँ अपना दुख। कैसे बंद कराए करंट अकाउंट मैं ही जानता हूँ, आंसू अंदर है यार बाहर नहीं है। तो गाइस मेरे प्लान कब कैसे बन जाते मुझे खुद ही नहीं पता। भाई लोगों का फ़ोन आया, इतने इतने पैसे कलेक्ट हो रहे हैं तुम भेजो, मैंने भेजी, और मुझे पता चला कि हम लोग को एक इंजॉयमेंट ट्रिप पर जाना है, जहाँ पर पता नहीं क्या क्या प्लान हुआ है। तो ब्लॉग पर बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग दिखाया जाएगा। मेरी बैटरी कम थी इसलिए नया कार का चार्जर अभी खरीद के लेकर आया हूँ। बहुत चिंता है मुझे आपको पूरा ब्लॉग दिखाने की। तो गप्पू भाई को अपी भैया मना रहे हैं कि भाई तुम भी चलो, लेकिन इनको व्यापार दिखा रहा है। खैर वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन मान जाए इंजॉयमेंट के लिए मज़ा आता है जब वो अपनी बातें करते हैं। देखते हैं फाइनली क्या होता है। हम लोग पाटन आ गए हैं। हाँ वही पार्टी के लिए जा रहा, 2 किलो आटा कम पड़ गया है। हाँ यार ये लोग साला पूरा कुछ लेके मुतका गया था, लोग बढ़ जाते हैं ना यार, तो उनकी भी चिंता करनी पड़ती है ना। तो भाई लोग आटा वगैरह ले रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए आटा वगैरह ले रहे हैं भाई लोग, सामान ले रहे हैं। तो फाइनली हम बगदरी वाटरफॉल आ गए हैं, और थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाएंगे। रास्ता हमने आप काफ़ी शॉर्ट पे आपको दिखाया है, हमने आपको बिल्कुल रास्ता में कितना लंबा 1 घंटे में आए हैं वो दिखाया ही नहीं आपको। यहाँ पर घर परिवार फैमिली पिकनिक भी बनाई जा रही। कहा हवाई बस एक पहलवान है, कहा हवाई से बस पूरा काम करवा लो तुम, और है ना हम तो उठा कर लाए रहे जब नहीं आउट खे। तो कंट्रोल लेके काफ़ी नीचे तक जाना है, बाकी का सामान हमारे और दोस्त ले गए हैं, बचा कुचा कंटेनर और जो चावल वगैरह आटा जो कम पड़ गया था वो हम लोग लेके जा रहे हैं। खैर ताकत बहुत है, मैं एक हाथ से उठाया हूँ और वो देखिए दो दो लोग पकड़े हैं। ये भी काफ़ी हैवी है, लेकिन मैं एक हाथ से उठाया हूँ और ये दोनों एक एक कंटेनर को पकड़ के लेके जा रहे हैं। लोग थक गए हैं जरा सी दूरी पर कंटेनर ला के, खैर हम नहीं थके, एक हाथ से लाए ये दोनों, थक गए हैं भाई लोग। सही है, वो रहे हमारे साथी जो कि नीचे जाके बैठे हुए हैं। हाँ तो काट रहे हैं ना, वो साथी नीचे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, हमें इनका एंजॉय थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट करा देते हैं। तो काफ़ी संघर्ष है, आदमी जितना रील में बताता है पहाड़ पहाड़ पहाड़, लेकिन जब आदमी पहाड़ों पे आता है तो ऐसे बैठ बैठ के उठ उठ के जाना पड़ता है। चलो आराम आराम से सब, हाँ हाँ जाओ जाओ तो नीचे उतरने। हाँ जल्दी ला तो करो करो बिल्कुल, तुम्हें तो कहा अब भाई लोड़ा खा तो सीधे। तो भाई बाढ़ पहाड़ पानी कैसे लेके जा रहे, पानी किसी कीमत पानी में से लेके जा रहे।
वो बैठी हमारी और टीम जो ऑलरेडी बाटी भरता बना के बैठी हुई है। ये रहा पहाड़ों का व्यू, काफी मेहनत से मिलता है ये व्यू देखने का। जोड़ू भाई बहुत मेहनत लगा ना नीचे तक आओ फिर हो के बाद जो सब शूट करो भाई लोग, बहुत खतरनाक व्यू है, ऊंचाई भी खतरनाक है। और ये पहाड़ों पे देखिए व्यू बन गया है, और ये ककड़ी भी है, पूरी तैयारी कर ली है साथियों ने पहले से ऑलरेडी आकर। ये यहाँ पे बाटी बन चुकी है, हमारे भाई साहब कह चुके हैं वो चाह रहे हैं, क्या क्या वो चाह रहे हैं बादल भैया। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है और बहुत ही अच्छी जगह, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ये काफी शानदार व्यू है और वह काफी अच्छा नजारा है पहाड़ियों का। यार काफी हम लोग लेट हो गए, हम लोग को भी जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, लेट आए हैं यार, अच्छो नहीं लग रहा हो, ज्यादा अच्छो लग रहा है ऐसी कह रहे थे आप, और तो और भावना में बह जा था। पहाड़ों का व्यू है और हम अकेले जंगल में, मेरे दोस्त भाई लोग और हमारे छोटू भाई, क्या कह रहे हो भैया पहाड़ों के बीच में आप? आज हम लोग यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बगदेरी फॉल में कक्कड़ भरता का कार्यक्रम रखा हम लोगों ने, बहुत ही मजा आया है। तो जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको आने के लिए कौन सा सही टाइम है थोड़ा सा बताएं? आने का तो टाइम यही है, बरसात में, बरसात का सबसे अच्छा टाइम है। वो मैं बाढ़ आ रहा है पिछले साल में भय कर रहे 26 आदमी, देखो नहीं ऊपर से देखो ऊपर से देखो ऊपर नहीं है, जितने ऊपर भी आदमी खड़े हैं जूम करके दिखा रहे हो, उतने ऊपर से देखो बरसात में अगर आओ तो ना आता, तैसे इतनी तेज बाढ़ आता पिछले साल पेपर में भी आओ तो 26 आदमी भय गए रहे। पहले जानकारी दे दी जय में अपन बहन है भाई, जागते रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, मेरे साथ मेरे ब्लॉग पर बने रहे। चलिए तो पहाड़ियों में थोड़ी सी और खलबली मचाते हैं। जब फैमिली आती है तो बहुत शांति रहती है, लोगों की फैमिली के हिसाब से चलती है, जब दोस्त भाई लोग आते हैं तो थोड़ा हड़दंगा ना हो तो पता कैसे चलेगा कि लड़की लोग आए हैं। इसमें आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, ये लाइटर है, ये हम लोग को मेरे को परेशान कर रहा है, जल नहीं रहा। अब मैं इसको दिखाऊंगा आपको डबल धमाका आग के साथ बिल्कुल, अब आप देखना। माचिस भी काम में नहीं आई, आज आया है हमारा पुराना देसी लोगरा। जी हाँ, सियाने कहते थे लोगरा की आग ही लगे, तो जा लोगरा की आग ही कैसी लगे आज देख ही लो। तैयारी चल रही है ऐसा, दो पत्थरों के बीच में डंका को फंसाया हुआ है और ये हमारा फिर से चावल तैयार हो रहा है, सचिन जी तैयार कर रहे हैं। तो आज की आर्टिफिशियल लोग पहाड़ों में मैगी खाते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ों में चावल खा रहे हैं। बाटी भरता भी है ये तो आखिर ये रही हमारी बाटी जो कि काफी देर बाद देखने को मिली। ये लग गई हमारी थाली, तो भाई सब हम चले, वो हमारी चढ़ रही है टीम वो ऊपर पहाड़, और आपका भाई किस तरह तरीके से तैयारी से आया आपको दिखा रहा है। ये देखो लाइट लेके आया था, पता था रात हो जाएगी, फुल तैयारी, ना किसी का भरोसा ना किसी का सहारा। देखिए तो ऊपर कितना खतरनाक पहाड़ है, अभी बस समय 6:30 बजे है और ये समय हो गया है। खैर हम लोग रस्सी बम भी लेकर आए थे सेफ्टी के लिए, ये गिरे गिरे पड़ रहे हैं पहाड़ चढ़ने के। चलो इस ब्लॉग को हम यहीं आराम दे रहे हैं, आपका भाई थक गया है, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नहीं भी कर रहे तो भी करें। तो चलिए चलते मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। रुको रुको, एक सूचना रह गई थी, हम लोग तो 11-12 लोग थे,
लेकिन आप लोग रात में ना आए आए तो पूरी तैयारी से आए। फिर हम लोग रस्सी बम स्लाइड वगैरह लेके आए थे। अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं, मतलब कि अब 10 मिनट और हो गए, तो 6:40 अब रख सकते हैं, अब इसके ब्लॉग बाय।